नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज की सियासत साहस और दुस्साहस के बीच घूमती नजर आई। बताएंगे क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने हाड़ौती में जाकर क्या गलती कर दी। साथ ही आपको दिखाएंगे वो मास्टर स्ट्रोक जहां किसानों की हालत उस गन्ने के जैसी कर दी गई, जहां सियासी कोहली उसको सियासी जूस निकालने के बाद पराली बनाने की तैयारी में है। वहीं उस वंशज की भी बात जहां पिता सादगी के लिए जाने जाते हैं और पुत्र क्या सियासत को समझ चुके हैं और लॉन्चिंग की तैयारी में है, ये भी आपको बताएंगे। यानी दिखाएंगे हर वो खबर जो तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सबसे पहले वो सवाल जो इतिहास के पन्नों से जुड़ा है और सियासत का हिस्सा रहा है। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदेश में सबसे बड़ा काल किस मुख्यमंत्री के दौर में पड़ा था। आप हमें इस सवाल का जवाब फेसबुक पर दे सकते हैं, ट्विटर पर भी दे सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इलेक्शन 25। सूबे में सियासी रंगत परवान चढ़ती जा रही है। वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही है। उसके बाद झालावाड़ से कोटा तक का रोड शो भी शुरू किया। झालावाड़ से रोड शो सुकेत के रास्ते कोटा में प्रवेश करता नजर आया। करीब 100 किलोमीटर का रास्ता सड़क मार्ग से रोड शो के रूप में तय किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह स्वागत करते नजर आए। सुकेत और जगतपुरा में राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभाएं भी की। झालावाड़ की सभा में राहुल गांधी ने आज मिमिक्री भी की और राहुल गांधी ने मिमिक्री के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी झालावाड़ की सभा में आंकड़ों में उलझे नजर आए। राहुल ने अपने भाषण में कभी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का वायदा होने की बात कही, तो कभी राहुल गांधी इसी आंकड़े को 35,000 करोड़ बताते नजर आए, तो कभी 45,000 करोड़ का वायदा होने की बात कही। यानी आंकड़ों के जाल में राहुल गांधी फंसे नजर आए। झालावाड़ में जनसभा में अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके भारी बहुमत हासिल किया है, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं को कमजोर किया और कई प्रोजेक्ट अटका दिए गए। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि टिकट एक को मिलेगा, लेकिन सबको साथ लगना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि 7 करोड़ लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। 7 दिसंबर को कांग्रेस का साथ जनता दे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 11 अगस्त से राहुल गांधी ने संकल्प रैली का आगाज किया था। जो संदेश आज राहुल गांधी देंगे उसे गांव गांव तक लेकर जाना है। सभी कांग्रेस को जिताकर जन कल्याणकारी सरकार बनाई। झालावाड़ में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी के बार बार राजस्थान के दौरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राठौड़ ने राहुल गांधी के भाषणों पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके भाषणों में कोई नयापन नहीं है। उनके भाषण सुनकर कांग्रेसियों में निराशा है। जयपुर में बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक हुई। मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उधर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में भर्तियों को अटकाने का काम किया है। बीकानेर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो चुका है। देश को किसान, जवान और नौजवान मिलकर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा रहा है। कांग्रेस ने हजारों अभ्यर्थियों के खिलाफ लिखा पत्र और वो उनसे रोजगार छीनना चाहती है। जोधपुर में यूं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रशंसकों की कमी नहीं, लेकिन एक प्रशंसक ऐसा जो कई वर्षों से अपनी साइकिल को ही प्रचार का माध्यम बना चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जोधपुर कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रचार मंत्री श्याम सिंह गहलोत की। श्याम सिंह की साइकिल कांग्रेस और अशोक गहलोत के रंगों में रंगी नजर आती है। जोधपुर में कहीं भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो, श्याम सिंह और उनकी साइकिल पहले ही वहां पर नजर आ जाती है। श्याम सिंह अपनी साइकिल से रोजाना करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करके प्रचार करते हैं।
चुनावी साल में नेताओं की भाषाओं की मर्यादा लगातार बिगड़ती जा रही है। कोटा में किसानों की पीड़ा को लेकर बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का गुस्सा फूट पड़ा। राजावत ने राजपेड़ के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भवानी सिंह राजावत ने अधिकारियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। स्थानीय दलों ने भी चुनावी समर में ताल ठोक दी है। डूंगरपुर जिले से ही टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने बताया कि आजादी के बाद से कांग्रेस और बीजेपी ने वोट के नाम पर आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी कोटा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान महिला सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। कोटा में महिला सम्मेलन में शिरकत करने के बाद राहुल गांधी सीकर पहुंचेंगे, जहां सभा को संबोधित कर अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सबसे पहली बात राहुल गांधी के हाड़ौती दौरे की। इस दौरे के सियासी मायने क्या है? क्या सच में बीजेपी के गढ़ संघ के गढ़ में पहुंचकर राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है और 17 में से 16 सीटों पर 2013 में हार के बाद अब 2018 में समीकरण बदल गए हैं? क्या यहाँ की जनता कांग्रेस को लेकर जोश में है, या फिर राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सच में ये कांग्रेस की तरफ से सियासी साहस था या फिर सियासी दुस्साहस? ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि किसी की ताकत को देखना है तो फिर उसके इलाके में जाकर देखो, और अगर अपनी ताकत को दिखाना है तो विरोधी के गढ़ में जाकर देखो। शायद राहुल गांधी ने संघ के गढ़, बीजेपी की जमीन और मुख्यमंत्री के सियासी क्षेत्र में जाकर ये साहस दिखाने की कोशिश की है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राहुल रोड शो भी कर गए और सभा में कांग्रेस को शोकेस भी, लेकिन इस सियासी भेष में क्या सच में हाड़ौती को चुनकर गलती कर दी? क्योंकि जो ढूंढार में दिखाई दिया, जो मेवाड़ में दिखाई दिया, जो वागड़ और डांग में दिखाई दिया, वो हाड़ौती में नहीं दिखा। मामला टाइट, फ्यूचर ब्राइट वाली जो सोच कांग्रेस के दिमाग को सिंहासन के सपने दिखा रही थी, शायद हाड़ौती पहुंचकर उसके सपनों पर पानी के छींटे पड़ गए। यहाँ राहुल की सभा में ना तो वो जन सैलाब दिखा जिसको सियासी भाषा में भीड़ कहते हैं, ना ही वो उत्साह दिखा जिसको सियासी भाषा में सुनामी कहते हैं। तो क्या कहा जाएगी, हाड़ौती में बीजेपी अभी भी मजबूत है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश नहीं है, संघ के संग बीजेपी हाड़ौती में जड़े जमाए हुए है। हाड़ौती में कांग्रेस को भी हाड़ तोड़ मेहनत की जरूरत है। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, नाम तो एक ही है। तो क्या ये साहस कांग्रेस के अंदर दुस्साहस बन गया और मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के लिए सिंहासन के सपनों की उम्मीदों को फिर भर गया? क्या गढ़ भेदने के साहस में राहुल गांधी चूक गए और यही वजह कि मुख्यमंत्री के गढ़ में पहुंचने के बाद भी राहुल गांधी सीएम और प्रदेश की बीजेपी से ज्यादा मोदी और केंद्र की सरकार पर हमला करते दिखे? तो क्या ये राहुल का भटकाव था या फिर भविष्य की रणनीति जो केंद्र की सत्ता के सपनों में पली है, या फिर राहुल गांधी को डर सता रहा था कि हाड़ौती में कम भीड़ के बीच में अगर सीएम पर हमला हुआ तो फिर हंसी ठहाके हंगामे भी बन सकते हैं? बहरहाल ये कांग्रेस को तय करना है कि उनका साहस था या फिर दुस्साहस, और बीजेपी को ये कि इसको कैसे भुनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मास्टर स्ट्रोक में आज हम आपको एक और स्टोरी दिखाते हैं। उससे पहले एक मुहावरे को जरा याद कीजिए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन क्या इस दाने को उगाने वाले पर टिका है पूरा सियासी घमासान? और किसान की हालत उस गन्ने की तरह हो चली है जो सियासी कोहलू से निकलकर उस पराली की तरह हो जाता है, जिसको रस पीने के बाद या तो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब, किसानों का सिर्फ हित जो है क्या वो घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गया है और सियासतदान जानबूझकर ऐसा करते हैं? अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये रिपोर्ट। वैसे तो राहुल गांधी को कांग्रेस में राजकुमार कहा जाता है, लेकिन हाड़ौती में पहुंचते ही कैसे वो हलधर हो गए, ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि सियासी जमीन को जोतना है तो फिर हाथ में सांकेतिक ही सही,
हल को थामना ही पड़ेगा। ये बताना ही पड़ेगा कि मस्तिष्क के चित बिंदु में किसान अभी भी जिंदा है, लेकिन क्या ये सियासत का तगाजा है? जरा गौर फरमाइए, कैसे फिर से किसान यानी धरती पुत्र जीत का सियासी सूत्र बन रहा है। राहुल गांधी को हाड़ौती में कांग्रेस को किसान हितेशी बताना पड़ा। हनुमान बेनीवाल को कहना पड़ा कि उनकी प्रमुखता किसान और किसान का बेटा है। मायावती को जताना पड़ा कि घोषणा पत्र के केंद्र बिंदु में किसान है। आम आदमी पार्टी को किसान नेता रामपाल जाट को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। शायद समझ गए होंगे कि किसान के खेत में आंधी आए या ओलावृष्टि, आत्महत्या हो या फिर आर्थिक रूप से निहत्ता हो, हर सियासी झंडा चिल्ला रहा है कि उनकी छाया में किसान सुरक्षित है। यानी हाथी भी हलदर का हितेशी है, हाथ भी धरती पुत्र के साथ है, कमल भी किसानों के खेत में खेलेगा और झाड़ू भी चलेगी तो किसानों के हर दर्द को जिंदगी से साफ कर देगी। लेकिन क्या सच में सियासतदान का वो मास्टर स्ट्रोक है जो हर 5 साल में लगातार चला जाता है, या फिर वो मुद्दा जिसको अगर सुलझा दिया गया तो सियासत खत्म हो जाएगी? शायद तभी कहा जाता है कि सियासत में मुद्दे ना तो सुलझाए जाते हैं और ना ही खत्म किए जाते हैं, सही वक्त पर समर में उतारे जाते हैं। लेकिन क्या धरती पुत्र फिर से इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा घर बैठकर या कहीं के खेत में बैठकर सोचते रहिए कि जिक्र किसान का है या फिर फिक्र वोट बैंक की है। क्या राहुल का हाड़ौती आने भर से ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई? अब हाड़ौती का जिक्र है, बीजेपी का जिक्र हो तो फिर उस नेता का जिक्र भी होना चाहिए जो अपनी जुबानी हमलों की वजह से जाने जाते हैं और धमकी भरे लहजे में अधिकारियों से बात करते हैं। बात भवानी सिंह राजावत, किसानों को साधते हुए कोटा में किसानों की पीड़ा को लेकर राजनीति साधते हुए बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का गुस्सा किस तरीके से फूटा और कैसे राजपेड़ के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुना दी गई? इस दौरान भवानी सिंह राजावत ने अधिकारियों से भाषा की मर्यादा भी लांघी। ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुन। मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, मैं यहाँ पर दूंगा सहमियत तुम्हें किसानों के ऊपर आघात कर रखा है, माल को नहीं तोड़ दो। 1,11,000 बोरी उड़द की आ चुकी मंडी में अब तक, और उसमें से केवल 100 बोरी आपने ली है। ये मजाक है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, कोई आचार संहिता नहीं होती। ये आज से आधा सुधार लो, रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया, क्यों बंद किया? आपको जब याद थी कि मैं मंडी में आ रहा हूँ, क्यों नहीं आया आप 1 घंटे पर? मजाक समझ रखी है, मैं एमएलए हूँ, मेरे ऊपर आचार संहिता नामांकन दर्ज होने के बाद में लागू होती है। यकीनन मजाक तो होता है, लेकिन सियासतदानों के साथ, जनता के साथ या किसानों के साथ सोचिए जरा खुद। लेकिन क्या सच में धरती पुत्र जीत का सियासी सूत्र है? इसको समझने के लिए समझना भी जरूरी है कि बीते सालों में किसानों की जिंदगी में बदला क्या है और क्या सच में किसान को लेकर सरकारी गंभीर रहती है। आपको एक सियासी किस्सा सुनाते हैं। जब प्रदेश में अकाल पड़ा था और किसान बर्बाद हो गया था, 33 जिलों में से 32 जिलों में इसका असर पड़ा था और भूख से 11 बच्चों की मौत का आरोप भी लगा था, क्या उस दौर में किसानों के लिए सियासतदान नंगे पैर अपने सियासी घरों से निकलकर किसानों के बीच पहुंचे थे उनके आंसू पोंछने के लिए? ये भी जरा देखिए। राजस्थान में अकाल, दुष्काल और त्रिकाल की भीषण समस्या वैसे तो हर 5 साल में दिखाई देती है, लेकिन ये सियासी किस्सा 2002-2003 का, जब 100 सालों का भीषण अकाल पड़ा था। उस दौर में सिर्फ 64% बारिश हुई थी और इस वजह से 32 जिलों की 3/4 जनता पर सीधा असर पड़ा था। लगभग 4.5 करोड़ जनता और 4,60,00,000 पशुधन प्रभावित हुआ था। खरीफ की आधी से कम भूमि पर बुआई हो पाई थी, उस फसल को भी बारिश ने बर्बाद कर दिया था। जलाशयों में भी सिर्फ 32% ही पानी बचा था। अभी से महज इत्तेफाक कहिए या कुछ और, ये साल राजस्थान में चुनावी साल भी था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जबकि केंद्र में एनडीए सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 अगस्त 2002 से ही राहत के काम शुरू कर दिए थे। केंद्र से 7,515.75 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई। इसके लिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को 23 पत्र लिखे गए। इस दौरान गहलोत ने केंद्रीय मंत्रियों से 14 बार मुलाकात भी की थी, लेकिन वक्त पर केंद्र की तरफ से सहायता नहीं मिल पाई। ऐसा कहते हुए अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने वक्त पर और माकूल सहायता नहीं की और इसी वजह से अकाल राहत कार्यों को चलाने में समस्याएं आई। इस दौरान एक और घटना घट गई। 12 जिले के सहरिया जाति के
11 बच्चों की मौत हो गई। बीजेपी ने कहा कि इन बच्चों की मौत भूख से हुई है। कांग्रेस की गहलोत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इसके बाद गहलोत ने इन मौतों की जांच भी कराई। जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत भूख से नहीं बीमारी से हुई थी। लेकिन ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया और बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस चाहती तो कर्ज लेकर प्रदेश की जनता को इस त्रासदी से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस का ध्यान जनता को राहत देने से ज्यादा मामलों में राजनीति करने पर रहा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया, जबकि कम त्रासदी के बाद भी आंध्र प्रदेश को माकूल सहायता दे दी गई। अब ये तो इतिहास है कि क्या सच में इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से संवेदनाओं की जगह पर सियासत की गई, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा सोचिए, किसान के नाम पर सियासत 1948 से होती आ रही है और फिर वही सियासत हो रही है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आप बात वंशवाद की उस बेल की जो बीकाणा में फल फूल रही है, उस पुत्र की जो अपने पिता की सियासत के साथ साथ उनकी सियासी मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। पिता सादगी के लिए जाने जाते हैं, साइकिल से संसद भी पहुंच जाते हैं, बेटा सांसद पुत्र की तरह जनता के बीच में होता है। लेकिन क्या सांसद पुत्र विधायक की पदवी चाहते हैं? आज बात बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल जरा देखिए। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल के साहबजादे रवि मेघवाल यूं तो सरकारी नौकरी में खादी अधिकारी हैं, लेकिन वीआरएस के लिए आवेदन करने के बाद से ही खुलकर मैदान में हैं। रवि मेघवाल यूं तो खाजूवाला से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब लगा कि संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल राजे कैंप के नजदीक है, तो रवि मेघवाल ने अनूपगढ़ सीट से ताल ठोक दी। वो लगातार न केवल क्षेत्र में जा रहे हैं बल्कि अपनी दावेदारी भी मजबूत मान रहे हैं। अब जरा रवि मेघवाल का बायोडेटा भी देख ले। नाम रवि मेघवाल, उम्र 46 साल, व्यवसाय खादी अधिकारी, पिता अर्जुन मेघवाल। लेकिन सिर्फ पिता की छवि और सियासी रणनीति के दम पर चुनाव को ना जीता जा सकता है और ना ही टिकट को हासिल किया जा सकता है। तो फिर ये जानना भी जरूरी है क्या सच में रवि पूरे तरीके से सियासत के रंग में रंग चुके हैं और खादी अधिकारी रहते रहते खादी की सियासी तासीर को समझ चुके हैं। इसको समझने के लिए ये भी समझिए कि पिता का चुनावी मैनेजमेंट लगातार रवि संभालते रहे हैं। चुनाव के प्रबंधन में रवि मेघवाल को माहिर माना जाता है। मीडिया में रवि मेघवाल के किस्से उनके खिलाफ जा सकते हैं। रवि मेघवाल खुद कहते हैं कि केवल बड़े नेता के पुत्र होने से लोकतंत्र में नेता बनना संभव नहीं, ये राजतंत्र में होता है। अब लोकतंत्र में जनमत ही नेता तय करता है। राजतंत्र और लोकतंत्र, हम देश आजाद होने के पहले की बात करें कि राजतंत्र क्या था और 1950 के बाद में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आज नेता चुने जाते हैं, अगर जनमत अगर आपके साथ है तो आपको नेता चुनती है, और अगर जनमत साथ नहीं है तो कोई नेता नहीं चुनती। राजतंत्र और लोकतंत्र में यही फर्क है। मेरे पिताजी जरूर केंद्रीय मंत्री है, अगर मुझे जनता ने सहयोग दिया तभी मैं नेता बन सकता हूँ, अदरवाइज मैं नेता नहीं बन सकता। हालांकि रवि मेघवाल के टिकट की राह बहुत आसान नहीं है। वजह है बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का लगातार विरोध करना। वहीं रवि मेघवाल ने फेसबुक पर कांग्रेस को 160 सीटों का दावा कर दिया था। मामला बिगड़ा तो फोन चोरी होने की सफाई भी दी। रवि मेघवाल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि पिता की तरह भजन गायकी भी करते नजर आते हैं। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा क्या कहते हैं जरा सुनिए। अगर राजनेता का लड़का सक्षम है उसे टिकट दो, केवल मात्र ये कह के टिकट मत दो भाई ये फलां का लड़का है और वो स्थापित राजनेता है। कोई ऐसा कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी में काम कर रहा है और वो डिजर्व करता है, वो सक्षम है, तो उसको भी मौका देना चाहिए। रवि मेघवाल के पिता अर्जुन मेघवाल के दिल्ली कैंप में अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में हो सकता है कि रवि मेघवाल की किस्मत चमक जाए, लेकिन ये भी सच है कि टिकट की राह में दुश्वारियां भी कम नहीं, लेकिन सियासी वंशज कब आगे बढ़ेगा ये पिता ही तय करेंगे। हालांकि लोकतंत्र में विधायक या सांसद रानी के पेट से पैदा होकर नहीं बनते बल्कि ईवीएम से निकलते हैं, जनता तय करती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बड़े नेताओं के पुत्र हैं वो विरासत पर अपना हक समझते हैं और उन्हें लगता है दूसरे कार्यकर्ताओं की बजाय उनकी टिकट की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। अब देखना दिलचस्प है कि कितने नेता पुत्रों को पार्टियां टिकट देती हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल भी ताल तो ठोक ही रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।